सबकी तालियों में हम वेलकम करेंगे जवेरिया आलम को। जबरदस्त जवेरिया, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, बैठ जाओ। अच्छा जी, अब जवेरिया की कहानी जरा मैं आपको बताती हूँ। जवेरिया आलम मेक अ विश फाउंडेशन, सब आप लोगों को इल्म होगा इस नाम से, जिनके सरबरा हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, उनसे भी आपको हम थोड़ी देर में मिलवाएंगे। उनके तवस्सुत से आज जवेरिया यहाँ पर मौजूद है। जवेरिया को कैंसर का मूजी मरज़ लाहक था और जवेरिया एक और बच्ची के साथ, ख्वाहिश ये थी कि उन्हें पाक फ़ौज का अफसर बनना है। तो पाक फ़ौज की अफसर कैसे बनेंगी? तो उन्हें जो है उनकी ये जो नन्ही सी ख्वाहिश है उसे पूरा किया गया और पूरी कौम शुक्रगुजार है। पाक फ़ौज के सरबरा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये नन्ही सी ख्वाहिश हमारी नन्ही सी जवेरिया की पूरी की और माशाल्लाह आपने झलकियाँ देखी कि क्या हुआ। तो जवेरिया क्या हाल है? जवेरिया का माइक कहाँ है भाई? हाँ जी जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा बताइए हमारे यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी है और जो लोग बैठे हैं कि क्या हुआ, किस तरह से आपने ख्वाहिश की और ये ख्वाहिश क्यों थी? मेरा बचपन से मुझे ये शौक था कि मैं सोल्जर बनूं, आर्मी चीफ से मिलूं और वॉगा बॉर्डर परेड करूं। जब 23 मार्च 14 अगस्त में जब मैं टीवी लगाती थी, परेड देखती थी, तो मेरे अंदर एक जज्बा होता था कि मैं भी ऐसे ही परेड करूं। जैसे ये इन फौजियों में जज्बा है वैसे मेरे अंदर भी है और मैं भी ऐसे परेड करना चाहती हूँ। फिर मुझे सर इश्तियाक बेग मिले और मैंने उनसे अपनी विश का इजहार किया। उन्होंने मेरी विश पर बहुत जदोजहद किया, उन्होंने मेरी विश पूरी की और हम पहले गए लाहौर, वहाँ पर नेपियर लॉजेस में हमारा वेलकम हुआ। जबरदस्त, कोर कमांडर की तरफ से बहुत अच्छा वेलकम हुआ। जबरदस्त, वो तो शानदार वेलकम होता है। वो तो बहुत शानदार वेलकम था, सारे लोग गेट के बाहर हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। जबरदस्त। उसके बाद हम कल को फिर निकले यादगार शौदा पर हाजिर के लिए। यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए फातह खानी की। उसके बाद म्यूजियम गए, मेजर सयाम सर ने वॉर ट्रॉफीज़ के बारे में अच्छा। हमें बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा हमें गाइडलाइन दी। ठीक है। और वहाँ पर भी बहुत मज़ा आया वॉर ट्रॉफीज़ के बारे में जाना कि उन पर झंडा उल्टा क्यों लगता है। अच्छा बताओ सबको क्यों लगता है वॉर ट्रॉफीज़ के ऊपर झंडा उल्टा? उस पर झंडा उल्टा इसलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर हमारे फौजी होते हैं, वो हमने विन कर ली होती है, वो हमने इंडिया से जीत ली होती है जंग में। बिल्कुल। और जो हम इस पे इसलिए झंडा उल्टा लग जाता है क्योंकि अगर हमारे बाहर जो फौजी हैं उन्हें ये बात पता लग सके कि ये अब हमारी हो गई है, हमारे फौजी हैं, क्योंकि हमने इसे पता किया है, हमने इसे जीत लिया है। जबरदस्त। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम कोर कमांडर से मुलाकात के लिए गए, वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई। वो बहुत खुश अखलाक बंदे हैं, उनसे मिलकर बहुत हमें अच्छा लगा। उसके बाद हम गए AK-27 पर, मुझे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जबरदस्त। ये मेरी शीट। यू आर सो लकी। क्या बैग में लेकर आई हो मुझे दिखाओ जरा। गार्ड ऑफ ऑनर जवेरिया के लिए दिखाइए भाई। जबरदस्त जवेरिया, इसको निकालो इसमें से, सो दैट एवरीवन कैन सी क्लियरली। बहुत सारी तालियां, जबरदस्त। देखें जी, ये होते हैं खुशकिस्मत लोग। जबरदस्त। अच्छा और ये क्या चीज़ है, ये भी दिखाओ ना। आई विल हेल्प यू। ओके, इस पे तो क्या लिखा हुआ है, मैं पढूं? इस पे लिखा है, डियर जवेरिया बेटी, विश यू हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू आउट योर लाइफ। ये किसने दिया है आपको ऑटोग्राफ? ये वहाँ पर ऑफिसर थे। और ये रीमा जी ने, अच्छा ये हम सब की फेवरेट रीमा खान ने दिया है, डियर जवेरिया लोड्स ऑफ लव विद गुड विशेज। और ये है जी तस्वीर जवेरिया की, ये देखिए वाघा बॉर्डर की तस्वीर है। वाघा बॉर्डर पर जितने अफसरान होते हैं, सिपाही होते हैं, उनके साथ जवेरिया की ये तस्वीर है। और जवेरिया आपके साथ ये रूबा हैं जी, इनकी भी यही विश थी जो कि मेक अ विश फाउंडेशन ने पूरी की। तो जनाब मेक अ विश फाउंडेशन के लिए बहुत सारी तालियाँ। मेक अ विश फाउंडेशन के जो सरबरा है मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। इश्तियाक बेग साहब, ज़रा मेक अ विश फाउंडेशन के बारे में हमें बताइए और ये जवेरिया बच्ची इतनी टैलेंटेड, ज़बरदस्त माशाल्लाह से बच्ची है, इसके बारे में बताइएगा कैसे आप मिले और किस तरह से होता है कि यू डिसाइड कि नहीं मैंने इस बच्ची की ख्वाहिश पूरी करनी है। पहले तो ज़रा मेक अ विश के बारे में आपको बताऊँगा कि ये एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है जो दुनिया की सबसे बड़ी विश ग्रांटिंग ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान इसका एफिलिएट मेंबर है।
और वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उनकी जो भी एक मोस्ट चेरिश विश होती है, आखिरी विश होती है, वो ये फाउंडेशन जो है वो ये पूरी करती है। अपने कैम्प से लेके अब तक पाकिस्तान में हम कोई 10,000 बच्चों की विशेस को हम पूरा कर चुके हैं। इनमें से कई बच्चे आज हमारे दरमियान नहीं हैं, मगर हमें खुशी ये है कि ये बच्चे कोई ख्वाब या हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए। मेक ए विश पाकिस्तान को बहुत यूनिक विशेस के सबब जो है बेस्ट एफिलिएट में अवार्ड मिला है। क्योंकि देखिए, अगर ये जवेरिया चाहती तो हमसे कोई चीज़ भी मांग सकती थी, मगर इसके ख्वाहिश कोई भी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़, मटेरियल चीज़ कोई मांग सकती थी, बच्चों की कोई भी ख्वाहिश हो सकती है। और बल्कि हमने ये किया कि इनकी विश को थोड़ा सा टाइम दिया। अच्छा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपना माइंड चेंज करते हैं, मगर इसकी ख्वाहिश में और शिद्दत आ गई। अच्छा। जब ये इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो एग्रेशन जो किया था। अच्छा। उस वक्त तो हर घर में जो उस वक्त रोजाना सुबह सबसे पहले मुझे कॉल इसी की आया करती थी कि मैं कब वहाँ पे जाऊँगी और मैं भी दुश्मन का मुकाबला करना चाहती हूँ। देखिए, ये एक शो करता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी फौज को अपना हीरो समझते हैं। जबरदस्त। और कोई चीज़ इसने नहीं मांगी। और ख़ास तौर पे मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमने जब उनसे कॉन्टेक्ट किया फाउंडेशन में, बहुत बड़ी बात। तो ये सिर्फ उन्होंने एक यूनिफॉर्म नहीं, ये जितने दिन ये लाहौर रही है, ये एक जीप थी, एक जीप में ये होती थी और कॉनवॉय पीछे फौजी के चल रहे होते थे, ऐसा लगता था कि कोई जनरल जो है वो आप जा रहा है। दूसरा आगे मैं आपको एक चीज़ बतलाऊं कि इसमें जो बच्ची में चेंज मैंने एक दिन में देखी है, जो इन्होंने इसको अपने पास रखा वहाँ दो दिन, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जब Just ये आई थी, तो फिर हमारे तो, फौजी जो बचपन से फिर साथ होते हैं और फिर सरहदों तक जाते हैं, तो उनकी तो एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमेशा के लिए जबरदस्त होती है। और मैं आपको ये बताऊं कि इसमें एक चेंज मैं इसके अंदर देख रहा हूं। अब ये सलाम नहीं करती है, अब जब भी जाए आप सलूट कैसे सलूट करती है जवेरिया, जबरदस्त। वो देखे बॉडी लैंग्वेज जवेरिया की ऐसी है कि माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि देखिए, ये फाउंडेशन ने एक रिसर्च की है और उसमें ये बताया कि जब हम बच्चों की जो जानलेवा मर्ज में मुब्तला होते हैं, विशेष को पूरा करते हैं, उन्हें प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, तो उनको एक जज्बा होता है फाइट करने का। मुझे ये बताएं कि ऐसा होता है कि कोई बच्चा बहुत ही इस कंडीशन में हो कि आप लोगों को एक इस तरह से लग रहा हो कि अभी बहुत मुश्किल है कि इसकी ज़्यादा ज़िंदगी का कोई चांस है, लेकिन फिर जब वो आप उसकी कोई भी छोटी सी ख्वाहिश पूरा करते हों तो वो एक उसके अंदर जज्बा दोबारा पैदा होता है, जीने की ख्वाहिश दोबारा पैदा होती है और बच्चे की सेहत बेहतर होती होगी। ऐसे देखें आपने कैसे? एक नहीं, कुछ ऐसे आए मैं आपको बताऊँ जो गिवअप कर चुके थे, गुर्बत थी, बीमारी थी, गिवअप कर चुके थे, बट जब उन्हें प्यार और मोहब्बत मिलती है तो फिर उनमें हम ये बतलाते हैं कि बेटा अब तुमने फाइट करना अपनी बीमारी से। ये हमारा इनका मैसेज होता है। यहाँ पे मैं आपको एक वाकया बतलाऊँ कि हकीम जो थे, बहुत बड़े हकीम लुकमान, उनसे किसी ने एक बार पूछा कि दुनिया की सबसे इफेक्टिव मेडिसिन क्या है, तो उन्होंने कहा दुनिया की सबसे इफेक्टिव मेडिसिन जो है वो प्यार और मोहब्बत। प्यार और मोहब्बत है, बेशक ऐसा ही है। तो ये जब हम प्यार और मोहब्बत इनको बच्चों को मिलती है तो आप यकीन करें बड़ी बड़ी बीमारियां जो है वो मेडिसिन का असर करती है। बिल्कुल, दुआ और दवा और फिर साथ में मोहब्बत। अलामा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत सारे ज़ाहिर है हमें ऐसे नाज़रीन देख रहे होंगे जिनके घर में बच्चों की अलालत का ये मामला होगा, किसी मोजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनके पेरेंट्स के लिए आप ज़ाहिर है मैं जानती हूँ कुछ ऐसे पेरेंट्स को, वो बड़े नाउमीद से हो जाते हैं, वो ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, तो वो बच्चों को भी उस तरह से करेज नहीं दे सकते, बच्चों में उस तरह की हिम्मत नहीं पैदा कर पाते, उनको आप क्या समझाएंगे? आपने जो बात की है उसमें दो तीन कंडीशन है, या तो ये है ना कि उनके पास वसाइल नहीं है, या ये कि टाइम नहीं है, माँ बाप दोनों कमाने में लगे हुए हैं, बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, या उनको इतनी समझ नहीं है कि इसको कैसे हैंडल करना है। ये मुख्तलिफ हर एक का हाल एक जैसा नहीं होगा। इश्तियाक बेग साहब एक अच्छी माँ के बेटे हैं, इनकी वालदा मुझसे बहुत प्यार करती थी, माशाल्लाह। उन्होंने इनको नेकी सिखाई है, ये जो दोनों भाई नेकियों के काम करते हैं ये माँ की दुआएं हैं, इनकी माँ की तरबियत है। चूँकि सैयदा का जिक्र हो रहा है इस लिहाज से मैंने कहा, ये हम वालिदैन हों या बहन भाई, हम सबसे पहले ये तय कर लें कि हमने अपने घर में कभी किसी को ये एहसास नहीं देना कि वो कमतर है। ऐसा ही होना चाहिए, ना शक्ल के हवाले से ना अकल के हवाले से। हाँ, कोई नेक है बहुत ज़्यादा
उसको अहमियत मिलती है तो बुरी नहीं, क्योंकि माँ बाप सिर्फ उसी बच्चे को अहमियत दे सकते हैं या तो वो इल्म में ज़्यादा हो या नेकी में ज़्यादा हो। लेकिन हमारे यहाँ तो जो पैसे ज़्यादा लाता हो या कुछ, तो घरों में ज़रूरी है माँ बाप, अगर मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हुआ है, बच्चे में कोई ऐब है, उनको समझ ही नहीं है कि उससे डील कैसे करना, कैसे है, करना है, तो माँ बाप की तरबियत की ज़रूरत है। मसलन बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, तो उस बच्चे के लिए इशारों की जबान जिसको हम कहते हैं या दूसरी, वो तो इसमें शर्माना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप एक ज़िंदगी उसके अंदर अगर आपने एहसास कमतरी रख दिया तो जिस तरह कह रहे हैं वो फाइट कैसे करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये मैंने तो कई इनके देखे हैं बच्चे जिनको इन्होंने फौजी भी बनाया, किसी से मिलने वाला, मैं अभी कह रहा था, मैंने कहा मुझे भी इस तंजीम का मेंबर बनाए, मुझसे जो जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। कल्याणवी साहब, ये जो ख्वाहिश की तकमील है, इससे जो खुशी मिलती है बच्चों को, और अगर ऐसी फाउंडेशन से काम कर रही हैं तो इसका भी बड़ा अजर है। बिल्कुल अजर है। और अभी जो इश्तियाक भाई ने एक बात कही ना कि प्यार मिलता है तो उनके अंदर जीने की उमंग पैदा हो जाती है, तो मुझे इस पर एक बड़ा प्यारा शेर याद आ रहा था, मैं इनके नज़र करूँ और बच्चों की नज़र, औरों के लिए प्यार का जज्बा नहीं जिनमें, वो लोग कभी प्यार के काबिल नहीं होते, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। वाह 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 वाह, इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखें। बिल्कुल ऐसी बात है। तो अल्लाह पाक ऐसे बच्चों का हम तो दुआ करते हैं सलामती दे, और उनको जिस तरह वो ट्रांसफॉर्म हुए सल्यूट करने में, तो अल्लाह पाक उनकी बीमारी को भी खत्म कर दे और अच्छे से अच्छा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आपको पता है जुवेरिया किसका नाम था? जुवेरिया किसका नाम था पता है आपको? अलामा साहब बताएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जौजा, उनकी एक बीवी का नाम जुवेरिया, जुवेरिया नहीं जुवेरिया, तो फूल को कहते हैं, फूल का नाम, फूल का नाम है जनाब। तो यही है हमारा जो सेगमेंट है नन्ही सी ख्वाहिश, उसका मकसद कि हमारे जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं उनकी जो भी हो ख्वाहिश, अल्लाह वो ख्वाहिश पूरी करता है और मुख्तलिफ लोगों को इसका वसीला बनाता है। तो ऐसे ही जो मेरी प्यारी जुवेरिया है जी, क्या कह रही हैं? मैं सबसे खड़ी हो जाओ। मैं कविश की बहुत बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी विश पूरी की, और सर इश्तियाक बेग की भी मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, उनकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने इस कैप्टन की वर्दी में हूँ और मेरी ये ख्वाहिश पूरी की गई और मैं इतने सारे इवेंट में पाक फ़ौज के शरीक हुई। और सर इश्तियाक बेग के साथ साथ मैं पाक आर्मी की भी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि उनकी वजह से मुझे ये वर्दी मिली। ज़बरदस्त, उनकी वजह से मुझे ये कैप्टन ज़बरदस्त। और आपको पता है कि अल्लाह, ये जो सब कुछ होता है तो ज़ाहिर है अल्लाह के हुक्म से होता है ना जुवेरिया, लेकिन अल्लाह सिर्फ उन्हें चुनता है जो उन्हें बहुत प्यारे होते हैं, जो नेक होते हैं, अल्लाह उन्हें वसीला बनाते हैं हमारे मसले हल करने के लिए, हमारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। तो इसी तरह आपके लिए जो लोग वसीला बने हैं, अल्लाह उनसे बहुत खुश हैं, अल्लाह उनसे बहुत प्यार करते हैं। जुवेरिया के लिए बहुत सारी तालियां, और हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक पर जाते जाते एक बार फिर आपको दिखाएंगे कैप्टन जुवेरिया किस तरह से पाक फ़ौज के लोगों से मिली और किस तरह से उन्होंने दिन गुजारे, और उनके लिए जो जुवेरिया हमारे पास आई हैं हील्स के और हिमानी के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो जुवेरिया के साथ जाए। वैसे तो जुवेरिया को बहुत सारे गिफ्ट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, जो जो जुवेरिया को चाहिए थे।